डियर स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड 9 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तुम्हें दिया हुआ है फिगर 6.43 और इस फिगर में पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें फिगर 6.43 के अकॉर्डिंग रिलेशन पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री है। हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले फिगर वॉच करो। तो देखो फिगर 6.43, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसकी वैल्यू है x, ये है 28 डिग्री, इसकी वैल्यू है y, ये है आपको 65 डिग्री। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 गिवन एक्सप्लेन करते हैं। तो गिवन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हेल्प से अपने लैंग्वेज में लिख दो। तो जैसे पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस कमा पी क्यू पैरेलल एस आर कमा एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, टू फाइंड एक्स एंड वाई। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपका पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, तो सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी एंड क्यू आर एक्ट एज ट्रांसवर्सल, देयरफोर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, रीजन होगा अल्टरनेट एंगल, तो दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। अब फिगर से पी क्यू आर को एक्सप्लेन करोगे, एंगल पी क्यू आर हैविंग टू पार्ट्स, वन वैल्यू एक्स प्लस 28 इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। ट्रांसफर कर दो तो एक्स इक्वल टू 65 माइनस 28, तो एक्स इक्वल टू 65 में से 28 घटा दो 7, 5 में से 2 घटा दोगे 37 डिग्री, दस एंगल एक्स इक्वल टू 37 डिग्री। अब देखो वाई वैल्यू निकालना है, तो नाउ ट्रेंगल पी क्यू एस इज ए राइट ट्रेंगल, तो देयर फोर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या मिला है 37, तो 37 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 37, 90 में से 37 घटा दो तो हो जाएगा 3, और 8 माइनस 3 5, एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 53 डिग्री। दस योर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर 6.44 दिया हुआ है। ट्रायंगल PQR का साइड QR प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट S तक। एंगल PQR और एंगल PRS के बाइसेक्टर T पर मिलते हैं। प्रूव करना है कि एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। देखो फिगर, यही फिगर है। इस फिगर में PQR एक ट्रेंगल है जिसके QR साइड को S तक बढ़ाया गया है। ये QT और RT एंगल PQR और एंगल PRS के बाइसेक्टर है। हमें प्रूव करना है कि यह एंगल QTR इस एंगल QPR का आधा हो। देखो गिवन इन ट्रेंगल PQR साइड QR इज प्रोड्यूस टू S बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट टू प्रूव एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। हमें प्रूव करना है कि QTR इस एंगल QPR का आधा होगा। तो देखो प्रूफ, प्रूफ में जैसे दिस प्रॉब्लम इज प्रोसीजर क्वेश्चन, इन दिस योर प्रूविंग टर्म QTR और QPR बिलोंग टू टू ट्रेंगल। जब भी जैसे देखो आपके एक ही फिगर में दो ट्रेंगल से संबंधित आपके टर्म आते हैं रिलेटेड हो, तो उसको प्रूव करने के लिए हम ओरिजिनल ट्रेंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके वांटेड एंगल को देख के ट्रांसफर करते हैं, पहला इक्वेशन बनता है। फिर दूसरे ट्रेंगल को यूज करते हैं और उसको कन्वर्जन करके चेंज करते हैं, और आफ्टर चेंजिंग वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, प्रूव हो जाता है। जैसे देखो ओरिजिनल ट्रेंगल क्या है, PQR। तो इन ट्रेंगल PQR एंगल QPR प्लस PQR प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 by एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। अब इसमें QPR आपका वांटेड एंगल है, इसको ट्रांसफर कर दो हो जाएगा एंगल PQR प्लस PRQ 180 माइनस QPR इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रेंगल यूज करो, तो इन ट्रेंगल QTR इसके भी तीनों एंगल को जोड़ो, तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180। अब इसमें अनवांटेड एंगल देख करके चेंज करो, या तुम्हारा वांटेड है, ये दोनों क्या है अनवांटेड है, तो फिगर से एंगल TQR। तो देखो TQR का मतलब एंगल PQR का आधा, तो एंगल TQR इज इक्वल टू
एंगल पी क्यू आर बाई टू कमा और एंगल टी आर क्यू। तो देखो टी आर क्यू का मतलब एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। अब वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर की जगह पे एंगल पी क्यू आर बाई टू प्लस टी आर क्यू के जगह पे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180। हो गया। अब फिर देखो फिगर से पी आर एस, यही आपका पी आर एस। तो पी आर एस नहीं, पी आर टी, पी आर टी। अब यही आपका पी आर टी, तो पी आर टी आपका क्या है, पी आर एस का आधा है। तो यहाँ पर लिख लो एंगल पी आर एस पी आर टी इक्वल टू एंगल पी आर एस बाई टू, तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर अपान टू प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर टी का मतलब पी आर एस बाई टू इक्वल टू 180। टेक एलसीएम टू साल्व इट, टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180। इसको क्रॉस कर दो और पी आर एस को फिर चेंज कर दो। तो पी आर एस यहाँ पर लिखो नाउ एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू बाई लीनियर फॉर। अब इसको क्रॉस करो, वैल्यू पुट करो, तो टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर एस के जगह पे 180 माइनस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 360। सॉल्व करो, टू एंगल क्यू टी आर प्लस ये पी क्यू आर और माइनस पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो कट जाएगा। 180 को ट्रांसफर कर दो, कटेगा नहीं सॉरी, ये पी क्यू आर है, यहाँ पर हो जाएगा एंगल, ये सही है पी क्यू आर प्लस ये टू पी आर क्यू माइनस पी आर क्यू, इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। 180 को ट्रांसफर करोगे इक्वल टू 360 माइनस 180। अब इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को पुट कर दो, देखो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसके जगह पे हो जाएगा टू एंगल क्यू टी आर प्लस 180 माइनस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू, इसको घटाओगे 180 से 180 कट जाएगा और तब टू एंगल क्यू टी आर
इस कल टू इसको ट्रांसफ़र करेगा, माइनस क्यू पी आर है हो जाएगा क्यू पी आर, और तब एंगल क्यू टी आर इस कल टू ट्रांसफ़र कर दोगे 1/2 एंगल क्यू पी आर। योर प्रॉब्लम इज प्रूव्ड। ओके, तो दस योर दिस एक्सरसाइज 6.3 इज कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 6.3 क्या हो गया, कंप्लीट।